नाइनाइट सीरीज पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए वाइब्रा रूट का, सेक्टर रूट का, सेक्टर रूट का, अप इन फाइनाइट तक है। अब देखिए इस टर्म के बाद सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाती है इनफाइनाइट तक, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लस के बाद देखिए फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी। वाई का मान क्या है, देखिए रूट का सेक्स प्लस रूट का सेक्स प्लस रूट का सेक्स अप टू इनफाइनाइट। अगर यहाँ से सीरीज को रोक दें फिर से देखिए वही सीरीज हो जाती है। और इसकी वैल्यू क्या है, वाई, हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर रूट का सेक्स प्लस रूट का सेक्स कि यहीं से सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाती है इनफाइनाइट से। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, वाई, वाई ब्रॉक रूट कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, टू आई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी डी एक्स, आप वाई कुछ ले आइए, टू आई माइनस वन डी डी एक्स आप वाई, डी डी एक्स आप वाई हो जाएगा, साइन एक्स कर दीजिए तो यहाँ पलट जाएगा वन माइनस टू। सेम वही है, इफ वाई इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू इनफाइनाइट, प्रूव दैट डी डी एक्स आप वाई होगा। बहुत आसान है, देखिए वाई बराबर क्या है, टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स, कहाँ तक। अब देखिए यहीं से फिर से नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है इनफाइनाइट तक जाती है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है वाई, इसकी जगह लिख देते हैं वाई, स्क्वायर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स आप वाई की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, आप कर सकते हो सब लोग, डी डी एक्स आप वाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देखते रहा करो, कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स इनफाइनाइट। यहाँ से देखिए सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉट एक्स प्लस वाई टू आई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो जाएगा टू आई माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टू की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। आप देखिए दिमाग लगाइए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए जो इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रही है, और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर e की पावर x प्लस y टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू x प्लस y log e, log e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,
डिफरेंशिएट कर दीजिए लॉग वाई को, वन वन वाई माइनस वन, वन माइनस वाई वन वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई अपॉन टू दी पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। आप देखिए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इनफाइनाइट है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, वाई बराबर क्या है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो यहीं से सीरीज फिर से स्टार्ट हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं वाई की पावर वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर वाई। अब दोनों बच्चों का लॉग ले लीजिए, लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसको इधर बुला लीजिए वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स को टी मानेंगे वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का पुनः करेंगे कॉस एक्स। तो यहां देखिए कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स, यहां हो जाएगा वाई कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन। फिर इसको लिख सकते हैं वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई कॉट एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर cot x अपॉन वन माइनस वाई log sin x। अप टू इनफाइनाइट डी डी एक्स ऑफ y याद करना आपको। तो आप देखिए इनफाइनाइट सीरीज यहीं से फिर से प्रारंभ हो रही है, यहीं से इसकी वैल्यू क्या है y, तो y बराबर हम लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो y स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई, तो 2y dx डी डी एक्स ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई को इधर बुलाएंगे 2y माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई 1, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस, वाई बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट है, हम इसको क्या लिख सकते हैं वाई बराबर रूट एक्स की पावर वाई। ठीक, क्योंकि देखिए वाई की वैल्यू है क्या, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, इसको हम रोक देंगे तो फिर क्या मिलेगा रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या है वाई। अब रूट है इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई बाई टू, ठीक, वेरिएबल वेरिएबल दोनों, तो लॉग ले लीजिए तो लॉग वाई इक्वल टू वाई बाई टू लॉग एक्स, टू लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टू लॉग वाई का टू अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई लॉग एक्स का वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको इधर बुला लीजिए टू अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई वाई अपॉन एक्स, टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स
टू माइनस माइनस इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स, यानी कि सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही। फिर से ये देखिए, देख रहे हैं एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स, तो सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही। तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपान वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, वन का जीरो हो जाएगा। तो इधर बुला लीजिए टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई, तो टू वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई, यही सिद्ध करना था। कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स अप टू इनफाइनाइट वाई इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन साइन वाला भी हमने किया। तो देखिए यहाँ से फिर से सीरीज स्टार्ट हो रही, तो वाई को लिख सकते हैं कॉस एक्स की पावर वाई, लॉग ले लीजिए लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए लॉग वाई का वन अपन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई लॉग कॉस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इधर ले लीजिए वन अपन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग कॉस एक्स y log cos x का वन अपॉन cos x का पुनः माइनस साइन x, तो वन अपॉन y, वन अपॉन y माइनस log cos x, log cos x डी डी एक्स इक्वल टू माइनस y tan x, तो हो जाएंगे वन माइनस y log cos x वन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर टू इनफाइनाइट प्रूव दैट ए, अभी ऐसे एक क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ देखिए प्रूव में टू एक्स वाई स्क्वायर अपान वन प्लस वाई स्क्वायर लाने, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान वाई, चूंकि वाई स्क्वायर लाना है तो आप डिफ्रेंशिएट इसको डायरेक्ट कर दिए डी डी एक्स ऑफ वाई टू एक्स इसका वन अपान वाई का माइनस वन अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, अब इसको इधर बुला लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वन अपन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई टू एक्स, तो वन प्लस वन अपन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू टू एक्स, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन अपन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर अपान वन प्लस वाई की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स अप टू इनफाइनाइट। आप देखिए सेम यहीं से फिर से स्टार्ट हो रही सीरीज, तो वाई बराबर क्या लिख सकते हैं ए एक्स की पावर वाई, लॉग ले लेंगे क्योंकि तो वेरिएबल वेरिएबल है, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स की पावर वाई, तो लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई लॉग ए एक्स। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉग वाई का वन अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स
प्लस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, तो वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ हो जाएगा वाई लॉग ए एक्स में, देखिए ए एक्स को टी मानेंगे, ए एक्स को क्या मानेंगे टी, तो वन अपॉन ए एक्स और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा वन अपॉन वाई माइनस लॉग ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई इंटू वन अपॉन ए एक्स इंटू ए, हो जाएगा ये वन माइनस वाई लॉग ए एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई वाई अपॉन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x वन माइनस वाई लॉग ए एक्स। इसी पर आधारित तीन प्रश्न हैं जिनको आपको स्वयं करना है। अभी प्रश्न को देखिए, पहला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इनफाइनाइट रूट द डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। दूसरा इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट प्रूव दैट एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एक्स। तीसरा इफ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स टू इनफाइनाइट प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इन ब्रेकर वन माइनस लॉग एक्स लॉग वन। सभी प्रश्न हल करिए और ये सभी प्रश्न हल करके आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838533333 पर भेजिए।